हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और इतिहास रचने के बाद आज पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी ने कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। आज होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के जरिए एनडीए एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जैसे कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और इनके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के लिए 50,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें खाप पंचायतें भी शामिल हैं, प्रगतिशील किसानों को भी निमंत्रण दिया गया है, उद्योग जगत की हस्तियाँ और खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं हरियाणा पुलिस ने शपथ कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के चलते पंचकुला में कई जगहों को जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, कई रास्तों को बंद भी किया गया है। खास तौर पर जो सेक्टर 5 और एग्जैक्ट लोकेशन दशहरा ग्राउंड उसके आसपास का जो रूट है वो आम लोगों के लिए बंद है। तो हरियाणा में फिर सैनी सरकार, तो सैनी युग की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है आज से, और इसका बेसब्री से इंतजार के तमाम नेता कर रहे हैं। फिलहाल सैनी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर क्या व्यवस्था है ये बताने जा रहे हैं। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, 15,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। इसके अलावा जानकारी ये भी कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए VIP लाउंज बनाया गया है। वहीं सेक्टर 5 के बाजार में VIP वाहन पार्किंग बनाई गई है, क्योंकि कई VVIP यहां पर आज शिरकत करने वाले हैं। जनता के लिए परेड ग्राउंड में तमाम व्यवस्था की गई। पंचकुला सेक्टर 5 को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। इसके अलावा ग्राउंड में बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया है और 3 लेयर की सुरक्षा में नए CM शपथ लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नायब सिंह सैनी का संबंध रहा है। अब सियासी सफर आपको बता रहे हैं नायब सिंह सैनी का। 1996 में BJP से उन्होंने सियासी सफर की शुरुआत की। 2009 में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। किस्मत खुली 2014 में जब वो पहली बार विधायक बने, और फिर 2016 की बात कर लेते हैं। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बना दिए गए, यानी कि 2 साल बाद थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 2019 में पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट देखने को मिला जब कुरुक्षेत्र से BJP ने उनको टिकट दिया सांसदी का, उन्होंने जीत हासिल की। 2023 में हरियाणा BJP के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें CM के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 56 दिन का उनका कार्यकाल रहा। 56 दिन में 126 बड़े फैसले उन्होंने लिए, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे पर BJP ने दांव खेला और मेजोरिटी भी हासिल कर ली। वहीं नायब सरकार के संभावित मंत्री कौन है यह अब आपको बता रहे हैं। आरती राव अटेली से, अरविंद शर्मा गोहाना से चुनाव जीते, इसके अलावा हरविंदर कल्याण जिनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में, घरोंडा से उन्होंने जीत हासिल की है। कृष्ण बेदी राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, नरवाना से उन्होंने जीत हासिल की है। कृष्ण लाल पंवार राज्यसभा सांसद थे, अब वो पद छोड़ दिया है। वहीं महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से जीते हैं। इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जींद से चुनावी मैदान में थे, उन्होंने जीत हासिल की है। उपचुनाव जब हुआ था इस सीट पर तब भी उन्होंने जीत हासिल की थी। अब फरीदाबाद के जोन में आ जाते हैं। बल्लभगढ़ की बात करें, मूलचंद शर्मा, राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से चुनाव जीते, ये भी संभावित मंत्री हैं। रणबीर गंगवा जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बरवाला से उन्होंने जीत हासिल की है। सुनील सांगवान चरखी दादरी से उन्होंने जीत हासिल की है, ये भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। विनोद भयाना हांसी से उन्होंने जीत हासिल की है। विपुल गोयल फरीदाबाद से उन्होंने जीत हासिल की है, और मनोहर लाल पाटवन में मंत्री भी वो रह चुके हैं।